सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज का ये वीडियो कोई टॉप 10 या फिर टॉप 20 वीडियो नहीं होगा, बल्कि मुझे काफी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन काफी छोटी है, बट बात बहुत बड़ी है। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने देखा होगा कि ऐश का अभी तक कोई भी पोकेमॉन मेगा इवॉल्व नहीं हुआ था। हालांकि ऐश का ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हुआ था, बट कोई भी मेगा इवॉल्व नहीं हुआ था। बट अब फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि ऐश का एक पोकेमॉन जो कि लुकारी, वो मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमॉन जर्नीस के अंदर। एंड हां, हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट हूं, एंड ये इन्फॉर्मेशन 99% कंफर्म हो चुकी है। तो आपको डेफिनेटली वीडियो में काफी मजा आएगा एंड काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का लुकारियो कौन से एपिसोड में मेगा इवॉल्व होगा, तो वो एपिसोड होगा पोकेमॉन जर्नीस का एपिसोड 83, जो कि होपफुली रिलीज होगा अक्टूबर 22 को, अगर कोई डिले वगैरह ना हो। और इसकी टाइटल एंड समरी भी आ चुकी थी, जिस वजह से हमें पता चल गया था कि आज का लुकारियो उसमें मेगा इवॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले इसके टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल है द लुकारियो नाइट एडवेंचर ऑन मेगा आइलैंड। अब टाइटल से हम उतना कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज इसमें उतना कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो हम समरी भी देखते हैं। तो इसके समरी में लिखा हुआ है कि इस एपिसोड के अंदर कोरिना का रिटर्न होने वाला है, एंड उससे ऐश को एक कीस्टोन मिलने वाला है। कीस्टोन से तो कोई पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो नहीं सकता, तो लुकारियो को मेगा इवॉल्व होने के लिए जरूरत है लुकारियो नाइट की, यानी कि जो उसका मेगा स्टोन है। तो वही लुकारियो नाइट फाइंड करने के लिए ऐश मेगा आइलैंड पे जाएगा, एंड फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है मेगा इवोल्यूशन की वो कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन वो फाइनली अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर सकता है। और आपने पोकेमॉन एक्स वाई के एपिसोड में देखा होगा कि कोरिना को एक ब्लेजिकन से फाइट करनी पड़ती है लुकारियो नाइट को ऑब्टेन करने के लिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी लुकारियो नाइट को कोई पोकेमॉन गार्ड कर रहा है, एंड उससे ऐश को लुकारियो को फाइट करनी पड़े उस स्टोन को ऑब्टेन करने के लिए। और फिर उसको मिलने के बाद ऐश के पास तो कीस्टोन हो गए जो कि कोरिना ने दिया था, तो इसके बाद वो अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर सकता है। और इसके रिलेटेड एक इमेज भी आई थी जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, जहाँ पे हमें ऐश का लुकारियो मेगा इवॉल्व होते हुए दिखाया जा रहा है, एंड कुछ सीन्स दिखाए जा रहे हैं पोकेमॉन जर्नीस के एपिसोड 83 से। अब हम इन सारे इमेजेस या फिर लीक्स या फिर टाइटल समरी को देखकर कह सकते हैं कि ऐश का लुकारियो 100% मेगा इवॉल्व होने वाला है पोकेमॉन जर्नीस के एपिसोड 83 में। और मैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ऐश का कोई पोकेमॉन हमें पहली बार मेगा इवॉल्व होते हुए दिखाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तो बस वीडियो के अंदर इतना ही था, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।